हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू इनोवेटिव स्टडी। आज हम बात कर रहे हैं नेशनल पार्क के ट्रिक्स के बारे में। सो इंडिया में टोटल अभी जो नेशनल पार्क हैं वो टोटल 105 नेशनल पार्क हैं। एंड 105 नेशनल पार्क का जो ट्रिक्स है वो बेसिकली उसके स्टेट के साथ रिलेशन का है। हमें एक रिलेशन याद रखना है कि कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट से रिलेटेड है, राइट? तो उसके लिए हम वो सारे स्टेट को कवर करेंगे एंड सारे स्टेट में जितने भी नेशनल पार्क है सारे ट्रिक को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर एक यूटी है जिसमें टोटल अभी 3 नेशनल पार्क है। मैं इनके नाम पहले देता हूँ यहाँ पे। जो फर्स्ट नेशनल पार्क है उसका नाम है सलीम अली नेशनल पार्क। जो सेकेंड है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। एंड जो थर्ड है वो है डाचीगम नेशनल पार्क। ठीक है, तो सलीम अली आप इसको याद रख सकते हो कि जम्मू कश्मीर जो यूटी उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी में है, तो उससे आप याद सकते हो कि सलीम अली, राइट? मुस्लिम मेजॉरिटी से एक ट्रिक याद रख सकते हो कि सलीम अली हो गया। एंड जो बाकी जो नेशनल पार्क है उनके लिए हम याद रख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया में स्पेशली जम्मू कश्मीर के रीजन में छोटे मोटे वॉर या डिस्टर्बेंस करता रहता है, स्मॉल वॉर करता रहता है। स्मॉल वॉर को हम बोल सकते हैं किस्तों में वॉर करता रहता है, तो इससे हो गया आपका किस्त वॉर, राइट? तो आपका सेकेंड नेशनल पार्क हो गया। डाचीगम, बेसिकली डाचीगम जो है वर्ड वो 10 ग्राम से बना हुआ है। 10 ग्राम मीन्स 10 विलेज। तो आप इसको ऐसे याद करो पाकिस्तान के जो स्मॉल वॉर या डिस्टर्बेंस है जिससे कि किस्त वॉर होता है उससे इंडिया के 10 ग्राम जम्मू कश्मीर के 10 विलेज काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। तो डाचीगम ये आपके तीनों नेशनल पार्क कवर हो गए जम्मू कश्मीर के। अब हम तुरंत लद्दाख में मूव करते हैं। लद्दाख में बस एक ही नेशनल पार्क है और लद्दाख जो फेमस है वो अपने व्यू के लिए है, माउंटेन व्यू के लिए। काफ़ी सारे लोग वहाँ पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं और बाइक राइड के लिए जाते हैं। सो जब आप माउंटेन पर चढ़ते हो तो आपका जो व्यू है वो काफ़ी लार्ज व्यू होता है, राइट? एंड आपको एक अर्थ का हेमिस्फीयर टाइप का दिखता है माउंटेन से, राइट? हेमिस्फीयरिक व्यू मिलता है आपको अर्थ का। तो इससे आप याद सकते हो कि जो लद्दाख में जो नेशनल पार्क है उसका नाम है हेमिस्फीयर व्यू से आप याद रखते हो नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है? एंड आपको ये पता है कि माउंटेन पर चढ़ने पर बहुत लार्ज व्यू मिलता है हमें, तो लार्ज व्यू से आप याद रखते हो कि हेमिस नेशनल पार्क इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, राइट? लद्दाख भी कवर हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। एंड हिमाचल प्रदेश में हमें 2 मेन कीवर्ड याद रखने हैं, हिमाचल यानी कि हिमालय, ऑब्वियसली बात है, ठीक है? और हिमाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा फेमस है अपने ट्रैकिंग के लिए, तो सेकंड कीवर्ड हम चूज़ कर रहे हैं ट्रैकिंग, ठीक? हिमालय से आपका डायरेक्ट एक नेशनल पार्क बन जाता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये आपका एक नेशनल पार्क बन गया हिमालय से, क्योंकि हिमालय के फुटहिल में है हिमाचल, उससे आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क बन गया। अब ट्रैक, हिमाचल प्रदेश में काफ़ी सारे ट्रैक हैं, बट जो उसमें सबसे फेमस ट्रैक है वो है आपका कसोल का खीर गंगा ट्रैक। तो उसके नाम पे एक और नेशनल पार्क मिल गया हमें, वो है आपका खीर गंगा नेशनल पार्क, खीर गंगा ट्रैक से खीर गंगा नेशनल पार्क, ठीक है? अब जो ट्रैकिंग करते हैं जनरली हम लोग माउंटेन पे करते हैं फिर किला पे करते हैं, राइट? किला पे या माउंटेन पे ट्रैक करते हैं और ट्रैक करने के बाद जब हम टॉप पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे टॉप में जाके हम लोग क्या करते हैं, फ्लैग को एक पिन कर देते हैं, फतेह जैसे बोलते हैं ना, फतेह गाड़ दिया हमने, झंडा गाड़ दिया, फतेह गाड़ दिया, तो फ्लैग को हम लोग टॉप पे जाके पिन करते हैं। तो किला से आपको एक और नेशनल पार्क मिल जाएगा, वो है इंद्र किला नेशनल पार्क, ठीक है? और पिन से आपको चौथा नेशनल पार्क मिल जाएगा, पिन वैली नेशनल पार्क। ये आपका फोर्थ नेशनल पार्क हो गया, ठीक है? 4 नेशनल पार्क हो गए। अब जो फिफ्थ वाला है, फिफ्थ के लिए ट्रैक देखिए कि ट्रैकिंग उसी समझ लोगे, ट्रैकिंग कौन करता है, ट्रैकर्स करते हैं। ट्रैकर्स कैसे होते हैं, बहुत हाई एनर्जी के साथ होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो बॉलीवुड में हमारा जो सबसे एनर्जेटिक एक्टर है रणवीर सिंह, सब जानते हैं, तो वो उन्होंने एक मूवी की थी सिम्बा। रणवीर सिंह काफ़ी एनर्जेटिक है, उनसे एक मूवी सिम्बा, और सिम्बा का लाइन का जो कार्टून था उससे भी आप याद रख सकते हैं सिम्बा, वो भी काफ़ी एनर्जेटिक रहता है और काफ़ी माउंटेन चढ़ता है, बेसिकली वो भी ट्रैकर रहता है। तो ट्रैक से सिम्बा मिल गया हमें और सिम्बा से आपका एक नेशनल पार्क मिल जाएगा जिसका नाम है सिम्बाल बारा नेशनल पार्क। ये टोटल आपके 5 नेशनल पार्क हो गए हिमाचल प्रदेश के। अब मूव करते हैं उत्तराखंड में।
उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क हैं, और उत्तराखंड को हम जानते हैं एज अ देवभूमि। सबको पता है उत्तराखंड देवभूमि है, जहाँ पे काफ़ी सारे पूजा पाठ रिचुअल्स होते हैं, और जो पूजा का जो रिचुअल्स है वो सबके लिए सेम होता है। और हमें सबको पता है कि पूजा के लिए पहले नहाना होता है, नहाने के बाद फूल लेते हैं, फूल लेने के बाद फिर मंदिर चढ़ाते हैं। तो सेम चीज़ को हम फॉलो करेंगे कि हम अज्यूम करते हैं कि एक राजा है, पूजा सबके लिए बराबर होती है, चाहे वो राजा हो चाहे सर्वेंट हो। तो हम राजा स्टार्ट कर राजा बाथ लिया। बाथ लेने के बाद बाथ किस में लिया? गंगोत्री नदी में, गंगा जी से याद रखें, गंगोत्री नदी। राजा बाथ लिया गंगोत्री नदी में। बाथ लेने के बाद फिर वो फ्लावर कलेक्ट किया गंगोत्री में, नहाने के बाद फ्लावर कलेक्ट किया। और फ्लावर कलेक्ट करने के बाद फिर ये दो टेम्पल में गया, एक देवी के टेम्पल में गया, ठीक है, और दूसरा ये गया गोविंद के टेम्पल में, ठीक है। अब इससे देखिए हमारे टोटल 5 नेशनल पार्क मिल जाएंगे। राजा से मिल गया हमें राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क। गंगोत्री से डायरेक्ट हमें गंगोत्री नेशनल पार्क मिल गया, सेम गंगोत्री नेशनल पार्क। फ्लावर से मिल गया हमें थर्ड नेशनल पार्क जो है वैली ऑफ फ्लावर, थर्ड मिल गया। देवी से हमें मिल गया नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी पीक भी है वैसे भी याद होना चाहिए आपको, नंदा देवी नेशनल पार्क। और गोविंद से हमें फिर फिफ्थ एक और नेशनल पार्क मिल गया उत्तराखंड का ही, जिसका नाम है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। अब जो 6 नेशनल पार्क है वो आपको वैसे भी याद होना चाहिए उत्तराखंड का, जो है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही अपना इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क था, तो ये भी आपको याद रखना होगा, इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जो कि उत्तराखंड में था। तो उत्तराखंड के टोटल 6 नेशनल पार्क कंप्लीट हो गए। अब यूपी उत्तर प्रदेश में आते हैं। उत्तर प्रदेश बेसिकली जो स्टेट है वो हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है, तो उत्तर प्रदेश को हम मिल्क से जोड़ सकते हैं, हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है। और मिल्क यानी हिंदी में दूध, सो बन गया अपना दुधवा नेशनल पार्क। यूपी काफ़ी बड़ा स्टेट है बट इसमें एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, वो आपको याद रखना होगा, दुधवा नेशनल पार्क, राइट। सेम बिहार का भी है, बिहार में भी सिर्फ एक नेशनल पार्क है, और जो बिहार में नेशनल पार्क है उसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। सो काफ़ी सारे वाल्मीकि का आश्रम है, टेम्पल्स हैं बिहार में, सो उससे आप रिलेट कर सकते हैं, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। तो टोटल अभी हमने 6 स्टेट कवर किया है, 6 स्टेट और यूटी कवर किए हैं, बाकी के स्टेट्स हम बाकी वीडियो में कवर करेंगे। सो टिल देन थैंक्स बाय।